Back to my YouTube channel Charles Learning with another video. The topic of the video is printer, type of printer, impact printer and it types, non-impact printer and it types. First of all, we will discuss what is printer. Printer basically is an input device. Is an input device that print character and graphics. Like आप लोग hard copy करवाते हैं, आप लोग photo state कराते हैं, तो वो आपके पास printer ही आपको करके देता है. Printer की जो resolution है, वो dot per inches में count होती है, और जो है आपको वो उसकी resolution कहलाती है. आगे printer को हम further two types में divide करते हैं, impact printer, non-impact printer. First of all, we will discuss what is impact printer. Impact printer क्या होता है? कि impact printer वो होता है जो कि आपके पास typewriter की तरह प्रिंटिंग परफॉर्म करता है, मतलब टाइपराइटर की तरह ही काम करता है. ये आपके पास कैरेक्टर और इमेजेस को प्रिंट करता है विदाउट स्ट्राइकिंग ऑन दी पेपर. इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपके पास वो ओल्डर टेक्नोलॉजी है, ये मतलब लेटेस्ट यूज़ नहीं होते आजकल, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और बहुत लेटेस्ट प्रिंटर्स यूज़ हो रहे हैं. तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है आपके पास ओल्डर टेक्नोलॉजी है. इसकी थ्री टाइप हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर. सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे. डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि इमेज को प्रोड्यूस करता है विद टीनी पिंस ऑन पेपर टू स्ट्राइक एन इमेज रिबन. जैसे ही आपके पास पेपर वो प्रेस होता है, रिबन प्रेस होता है, तो वो पेपर पे डॉट क्रिएट कर देता है, और जो डॉट की आपके पास वैल्यू होती है वो 9 या 24 तक हो सकती है. तो इनकी हायर क्वालिटी में प्रोड्यूस करता है. जो स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स की वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और वो 352/1100 करेक्टर पर सेकेंड होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे डेजी व्हील. डेजी व्हील में एक व्हील लगा होता है, उसके पेटल्स के ऊपर एबीसी प्रिंट हुई होती है. जैसे जैसे रिबन मूव करता है वो उसके अगेंस्ट एक अल्फ़ाबेट को प्रिंट कराता रहता है. तो डेजी व्हील प्रिंटर है वो स्लो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, लेकिन जो डेजी व्हील की क्वालिटी है वो अच्छी होती है. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर हमारे पास फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये इंटायर लाइन को प्रिंट करता है. इसकी स्पीड को जो है वो मेजर किया जाता है लाइन पर मिनट में, और काफ़ी जो ये लाइंस है ये इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 3000 लाइन पर मिनट ये प्रिंट करता है. और इसमें एक मैकेनिज्म होता है कि जो कि मल्टीपल करेक्टर्स को आपके पास सिमटेनियसली प्रिंट करने की सलाहियत रखता है. इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है. ये स्पेशल पेपर यूज़ करते हैं जिसके ऊपर इसने ये प्रिंट करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है कि इसने आपके पास करेक्टर्स को प्रिंट करना होता है विदाउट स्ट्राइकिंग. ठीक है, और ये स्ट्राइक करके पेपर पे प्रिंट करेगा. नेक्स्ट इसकी थ्री टाइप्स हैं, लेज़र प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेज़र प्रिंटर. लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, मीन्स लहरों की हरारत से लाइट का निकलना. द लेज़र प्रिंटर इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इट वर्किंग इज सिमिलर टू द फोटो कॉपी मशीन. इट यूज़ लेज़र बीम टू बर्न स्पेशल पाउडर ऑन पेज, मीन्स इसमें एक स्पेशल टाइप का पाउडर होता है. जब वो बर्न होता है तो आपके पास इमेज प्रोड्यूस करता है, वो परमानेंट इमेज होती है. और ये जो पाउडर होता है उसको टोनर बोला जाता है. इसकी स्पीड कितनी होती है? 500 to 300 पेजेस पर मिनट. और इसकी स्पीड जो है कंटेंट पे डिपेंड करती है कि आप कैसा कंटेंट यूज़ कर रहे हो. प्लेन टेक्स्ट होता है उस पर जल्दी प्रिंट हो जाती है, और जो दूसरा पेज होगा ग्राफिक्स वगैरह होंगी तो उसमें मीन्स आपको टाइम लगेगा. लेज़र प्रिंटर और टेक्स्ट और ग्राफिक्स को हाई रेजोल्यूशन में प्रिंट करता है, और ये आपके पास जो इसकी रेजोल्यूशन होती है वो 1200 डॉट पर इंचज होती है, और हाई स्पीड होती है इसकी इंजेक्ट प्रिंटर से और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, और ये नॉइज़ क्रिएट नहीं करता. ये सबसे अच्छी बात इसकी है कि ये नॉइज़ क्रिएट नहीं करता, और मोस्टली जो आजकल की फील्ड है उसमें लेज़र प्रिंटर ही आपके पास यूज़ होता है. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंजेक्ट प्रिंटर. इंक जेट, नाम से ही जरूर है कि इसमें इंक को हमें जेट करना पड़ेगा. इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इट प्रिंट करेक्टर एंड ग्राफिक्स बाय स्प्रेइंग टीनी ड्रॉप ऑफ लिक्विड इंक ऑन पेपर, मीन आप इसमें इंक को इंजेक्ट करोगे, उसके बाद आपके पास जो है ये पेपर पे
ये ब्लैक और आपके पास वाइट कलर की फोटोज़ वगैरह में आपके पास आउटपुट देता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 10 to 35 पेजेस पर मिनट होती है। और इसके अलावा ये कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव होते हैं एज अ कंपेयर टू लेज़र प्रिंटर। मोस्ट इंकजेट प्रिंटर यूजली हैव टू कैटेगरीज, वन कैटेगरीज कंटेन ब्लैक इंक एंड अदर कंटेन इज वाइट। वाइट मीन्स जिसमें आपके पास कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पे आ जाता है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर वो होता है जो आपके पास हीट को यूज़ करते हुए आपके पास स्पेशल पेपर पे इमेज को प्रोड्यूस करेगा, और इसे ब्लैक और वाइट आउटपुट की ज़रूरत नहीं होती, ना ही इसकी आउटपुट ब्लैक और वाइट होती है। ये एक्सपेंसिव होते हैं, इसके लिए पेपर भी कॉस्टली होता है, और ये हाई क्वालिटी इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट पे हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन डॉट मैट्रिक्स और लेज़र। तो डॉट मैट्रिक्स जो है इसकी स्पीड स्लो होती है, जबकि लेज़र प्रिंटर की स्पीड ज़्यादा होती है। डॉट मैट्रिक्स की स्पीड भी और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, और ये नॉइस भी क्रिएट करता है, रिबन इंक को यूज़ करता है, लेस एक्सपेंसिव है और इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर जो है वो उसकी स्पीड भी फास्ट होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, इंडिविजुअल पेपर शीट पे प्रोड्यूस करता है, नॉइस भी नहीं प्रोड्यूस करता, टोनर यूज़ करता है, एक्सपेंसिव होता है, और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।